दोस्तों, क्या कोई भाग्य को हरा सकता है? क्या कोई किस्मत को मिटा सकता है? आइए जानते हैं आज की इस कहानी से कि क्या कोई अपने भाग्य को बदल सकता है, कि जो हमारी किस्मत में लिखा है क्या हम उसे बदल सकते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, काशीपुरी में जो एक प्रसिद्ध नगरी है काशी, जो विद्वान ब्राह्मणों के लिए जानी जाती है। काशी नगरी में वेदों के ज्ञाता महाज्ञानी पंडित रहा करता था। उस ब्राह्मण की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग ब्राह्मण के पास अपना भाग्य दिखाने के लिए आया करते थे। वह बहुत ज्ञानी और महान ब्राह्मण था और दूर से ही पढ़कर ये बता देता था कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों के ज्ञाता थे। उस ब्राह्मण के घर एक परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया और वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब उस बालक की आयु 7 वर्ष की हो गई, तो एक दिन वह बालक देखता है कि उसके पिता के पास बहुत से लोग आते हैं और अपने भाग्य का लिखा हुआ पूछकर चले जाते हैं, और वह ब्राह्मण भी जो उनके भाग्य में लिखा है वह सब बता देता है। उस परम महान ब्राह्मण का नाम गंगाचार्य था। वह बहुत विद्वान था और उसका पुत्र जो था वह सब देखता था कि मेरे पिताजी क्या करते हैं। एक दिन उस बालक के मन में एक विचार आता है कि मैं अपने पिताजी से कुछ प्रश्न पूछ लूंगा। वह अपने पिताजी के पास गया, अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आप इस समस्त संसार के लोगों की भाग्य रेखा देखते हो, आप ज्योतिषी के ज्ञाता हैं और आप सबको बता देते हैं कि आपके साथ क्या होगा। हे पिताजी, आप मेरा भाग्य क्यों नहीं देख लेते? जब आप इतने विद्वान हैं और वेद शास्त्रों में महान ज्ञाता हैं, तो आप मेरा भाग्य देखिए। उस ब्राह्मण ने जब अपने पुत्र की बात सुनी तो कहने लगा कि बेटा, अभी तो तुम बालक हो, अभी तुम्हारे भाग्य देखने का समय नहीं आया है। जब तुम्हारे भाग्य देखने का समय आएगा तो मैं अवश्य तुम्हारा भाग्य देखकर तुम्हें बता दूंगा। जब बालक ये बात सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है और वह अपनी माँ के पास लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन गंगाचार्य के दिमाग में उसके पुत्र की बातें घूमने लगती हैं। गंगाचार्य सोचने लगता है कि मेरे पुत्र ने मुझसे ये कहा था कि पिताजी, आप मेरा भाग्य क्यों नहीं देख लेते? तो ब्राह्मण के मन में विचार आता है कि क्यों ना आज मैं अपने पुत्र का भाग्य देख लूं कि मेरे पुत्र के भाग्य में क्या लिखा है। गंगाचार्य ने अपने ग्रंथ को खोला, अपने गणित को हल किया और देखता है अपने पुत्र का भाग्य। ब्राह्मण ने जब अपने पुत्र का भाग्य देखा तो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह एक नीच जात के मछुआरन के साथ होगा और मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, वेद पुराणों का ज्ञाता हूँ। ब्राह्मण सोचने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं इस भाग्य को बदल दूंगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ब्राह्मण ने और गहराई से जब उस ग्रंथ को देखा तो उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी ली कि किस घर में वह लड़की पैदा होगी। तो ब्राह्मण को पता चलता है कि गंगा के इसी तट पे 50 कोस दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 4 पुत्रियों का जन्म हुआ है, जो 5वें नंबर की पुत्री अभी पैदा हुई है। ब्राह्मण ने देखा कि वह तो अभी नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 6 माह की है। उस लड़की का नाम चांदनी है, मेरे पुत्र का विवाह उसी लड़की के साथ होगा। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं भाग्य को बदल लूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूँ, जब मैंने भाग्य को देख लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। ब्राह्मण कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या फिर मैं बड़ा हूँ। वह ब्राह्मण भाग्य को बदलने के लिए, किस्मत की रेखाएं बदलने के लिए अपने ग्रंथ और वेद पुराणों को उठाकर ब्राह्मण चल देता है और पहुंच जाता है उस मछुआरे के घर। मछुआरे ने देखा कि एक विद्वान ब्राह्मण उसके घर आया हुआ है, तो मछुआरे ने ब्राह्मण का बड़ा ही स्वागत किया, कहने लगा, मुझ जैसे गरीब के घर आपके जैसा ब्राह्मण आया है, ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है।
तब ब्राह्मण कहता है कि हे मछुआरे, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या निकट समय में 6 माह के आसपास तुम्हारे घर में किसी पुत्री का जन्म हुआ है? तब मछुआरा कहता है कि हाँ भगवान, मेरे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है। ब्राह्मण फिर कहता है, क्या उसका नाम चांदनी है? तब मछुआरा कहता है, जी भगवान, मैंने उसका नाम चांदनी ही रखा है, क्योंकि वह परम सुंदरी है, चंद्रमा के समान है, इसलिए मैंने उसका नाम चांदनी रखा है। तब ब्राह्मण कहता है कि देखिए, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मैं इस मार्ग से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक वह तुम्हारी पुत्री तुम्हारे घर रहेगी, तुम्हारे घर में किसी भी पुत्र का जन्म नहीं होगा। हे मछुआरे, अगर तुम अपने घर में एक पुत्र को देखना चाहते हो तो उस पुत्री को तुम्हें अपने घर से दूर भगाना होगा। जब मछुआरे ने ये बात सुनी तो मछुआरा कहने लगा कि हे भगवान, वह तो अभी नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र अभी 6 माह की हुई है, मैं उसे कहाँ छोड़ूंगा। तब ब्राह्मण कहता है कि देखो मछुआरे, जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है तो मैं तुम्हारी सहायता भी करूँगा। मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम इस पुत्री को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसकी शादी कर दूंगा। मछुआरा ब्राह्मण के डर से अपने 6 माह की पुत्री को, चांदनी को, अपनी पत्नी के पास से लेकर आता है और उस ब्राह्मण को सौंप देता है और कहता है कि लीजिए ब्राह्मण देव, आज से आप ही इसके पिता हो। ब्राह्मण तो ये सोच ही रहा था कि वह पुत्री उसे मिल जाए। फिर मछुआरा कहता है, हे ब्राह्मण, वैसे भी मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए आप मेरी इस पुत्री को ले जाइए। ब्राह्मण उस पुत्री को लेकर मछुआरे के घर से चल पड़ता है और ब्राह्मण अपने मन में सोचता है कि मैं अगर इस पुत्री को मार दूंगा तो मुझे बाल हत्या लगेगी। ब्राह्मण एक लकड़ी का बक्सा लाता है, लकड़ी के बक्से में उसी पुत्री को लपेटकर रख देता है और माता गंगा के जल में उसको प्रवाहित कर देता है। और फिर ब्राह्मण अपने मन में ये सोचता है कि ये बक्सा कुछ दूर जाने के बाद अपने आप ही डूब जाएगा और ये लड़की मर जाएगी। परंतु इस दुनिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाग्य की रेखा को बदल सके? लेकिन उस लड़की के भाग्य में जीना लिखा था, उस लड़की के भाग्य में मरना तो लिखा ही नहीं था। और वह बक्सा डूबता नहीं है, वह बक्सा बहता हुआ चला जाता है। बहते बहते वह बक्सा द्राविड़ देश में पहुंच जाता है और द्राविड़ देश में एक महान तेजस्वी ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए आते हैं। जब गंगा स्नान के लिए ब्राह्मण वहां आते हैं, जब वह गंगा जी में स्नान करने लगते हैं तो वह बक्सा बहता हुआ आ रहा था। उस ब्राह्मण के घर कोई संतान नहीं थी, वह ब्राह्मण संतानहीन था तो वह ब्राह्मण गंगा मैया से प्रतिदिन ये आराधना किया करता था कि मुझे कोई संतान दे दीजिए, चाहे पुत्री ही क्यों ना हो, ताकि मैं संतानहीन ना रहूं। जब ब्राह्मण पानी के अंदर डुबकी लगाकर बाहर आता है तभी वह बक्सा उसी के पास बहता हुआ चला आता है और जब ब्राह्मण ने उस बक्से को देखा तो वह उसे अपनी ओर खींचता है और जब बक्से को खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात बालिका जिसका मुंह चंद्रमा के समान चमक रहा था, वह लड़की अपना अंगूठा पी रही थी। ब्राह्मण समझ आता है कि गंगा मैया ने ही मुझे ये पुत्री दी है। ब्राह्मण सोचता है कि मैं इसे बड़े ही खुशी खुशी अपने घर ले जाऊंगा और वहां इसे पालूंगा। ब्राह्मण देव ने गंगा मैया को बार बार प्रणाम किया और उस पुत्री को लेकर अपने घर चला जाता है। ब्राह्मण जब अपने घर अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, गंगा माँ ने हमें कितनी सुंदर पुत्री दी है। ब्राह्मण कहता है, आज से इसका पालन पोषण हम लोग करेंगे, हमारी इकलौती पुत्री को हम बहुत अच्छे से संस्कार देंगे, बहुत अच्छे से पालेंगे, इसे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। धीरे धीरे समय निकलता गया और वह लड़की जवान होने लगी। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता की तुलना तो रत्ती से भी नहीं की जा सकती। कामदेव भी उसके सामने लज्जित हो जाते थे। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी कन्या मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा ने जन्म ले लिया हो। और उधर गंगाचार्य का पुत्र जिसका नाम चंदन रखा था, इधर वह लड़की भी जवान हो रही थी। जब वह लड़की 16 वर्ष की हो गई, तब उस ब्राह्मण के मन में एक ख्याल आता है। उसने सोचा कि मेरी पुत्री अब 16 वर्ष की हो गई है, जिसका चेहरा चंद्रमा के समान, अप्सरा भी उसे देखकर लज्जित हो जाते हैं। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है और मैं अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण की पत्नी कहती है
कि आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन याद रहे जितनी सुंदर मेरी पुत्री है उसी के जैसा सुंदर मुझे दामाद भी मिलना चाहिए। ब्राह्मण कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पुत्री के समान तेजस्वी विद्वान के पुत्र को देखकर आऊंगा। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहकर अपनी पुत्री के विवाह के लिए चल देता है और पुत्र खोजते खोजते उसी काशी नगरी में आ जाता है। और काशी नगरी में प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगाचार्य का नाम तो हर कोई जानता था। जब उस ब्राह्मण ने किसी से पूछा कि क्या यहाँ किसी ब्राह्मण का पुत्र है, मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, तो कुछ ब्राह्मणों ने बता दिया कि हमारे महान आचार्य जी जो कि भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, उनके घर में एक परम सुंदर पुत्र है जिसका नाम चंदन है। ये बात उस ब्राह्मण ने सुनी तो मन में सोचने लगा कि मेरी भी पुत्री का नाम चांदनी है और उनके पुत्र का नाम चंदन है, तो चंदन और चांदनी का मेल अवश्य बैठ जाएगा। ये सोचकर वह ब्राह्मण गंगाचार्य के घर पहुंच जाता है। गंगाचार्य ने देखा कि एक महान ब्राह्मण उनके घर आए हुए हैं, तो उन्होंने उनका बड़ा स्वागत किया। स्वागत सम्मान करने के बाद गंगाचार्य ने ब्राह्मण से आने का कारण पूछा, तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि देखिए गंगाचार्य, मैं अपने पुत्री का विवाह करने आया हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। जब ये बात गंगाचार्य ने सुनी तो गंगाचार्य बहुत प्रसन्न हो गया और अपने पुत्र को बुला करके उन्हें दिखाया और कहा कि देखिए यही मेरा पुत्र है। तो ब्राह्मण गंगाचार्य से कहने लगा कि मेरी पुत्री तुम्हारे पुत्र के समान है, बहुत सुंदर है, इनकी जोड़ी तो कामदेव और रति को लजाने वाली होगी, इसलिए मैं ये रिश्ता पक्का करता हूँ। गंगाचार्य ने भी ये रिश्ता पक्का कर दिया। और जब रिश्ता तय हो जाता है तो निर्धारित समय देखकर, शुभ समय देखकर दोनों का विवाह कर देते हैं। चांदनी का विवाह चंदन के साथ हो जाता है। गंगाचार्य ने भाग्य को बदलना चाहा था, लेकिन भाग्य तो बदला नहीं, जो ईश्वर ने लिख दिया था वह अवश्य होता है। और जब चांदनी दुल्हन बन के घर आती है तो चंद्रमा के समान रूप देखकर सारे खुश हो जाते हैं। उसे देखकर समस्त नगरवासी कहने लगे कि वास्तविकता में गंगाचार्य का जो पुत्र है उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, मानो जैसे कोई स्वर्ग लोग की अप्सरा नीचे जमीन पर आ गई हो। गंगाचार्य बहुत ही प्रसन्न था कि मेरे पुत्र का विवाह हो गया। फिर गंगाचार्य सोचने लगता है कि मैंने जब अपने पुत्र का भविष्य देखा था तो उसमें मेरे पुत्र का विवाह एक मछुआरे की बेटी के साथ लिखा था, लेकिन मैंने उस भाग्य को बदल दिया। मेरे पुत्र का विवाह तो एक परम विद्वान ब्राह्मण की पुत्री के साथ हुआ है। धीरे धीरे समय निकला तो गंगाचार्य चांदनी से बात कर रहा था। गंगाचार्य कहता है कि पुत्री तुम अकेली हो, तुम्हारे पिता का कोई पुत्र नहीं है। चांदनी कहती है कि जी पिताजी, मुझे भी मेरे पिताजी को माँ गंगा ने ही दिया था। आज से 16 वर्ष पहले की बात है, मेरे माता पिता की कोई संतान नहीं थी। मेरे दुष्ट माता पिता ने मुझे एक लकड़ी के बक्से में कपड़े में लपेटकर पानी में बहा दिया था और मैं बहती हुई गंगा में जा रही थी। मेरी आयु उस समय मात्र 6 माह की थी। ये बात मुझे मेरे पिता ने मुझे बताई थी, उन्होंने ही मुझे पाला और पाल पोस कर इतना बड़ा किया। जब चांदनी ने गंगाचार्य को ये बात बताई तो गंगाचार्य के पैरों से जमीन फिसल गई और वह तभी भागता भागता गया और अपनी पत्रिका को खोलकर देखने लगा, अपने ग्रंथ को देखने लगा। अपने ग्रंथ के अनुसार उसने अनुमान लगाया, जो सभी भाग्य रेखाएं उस पुत्री की थी वह सभी भाग्य रेखाएं चांदनी की भी थी। वह ब्राह्मण पूरा हिल गया। ब्राह्मण सोचने लगा कि मैंने तो भाग्य को बदलना चाहा था, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो वह लड़की है जिसे मैंने गंगा मैया में बहा दिया था, ये कैसे बच गई और मेरे पुत्र की इसके साथ शादी भी हो गई। ब्राह्मण फिर से सोचता है कि मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं भाग्य को बदल कर ही रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। एक दिन की बात है, उस ब्राह्मण का पुत्र चंदन वह किसी कार्यवश बाहर चला जाता है, किसी दूसरे देश में चला जाता है और घर में रह जाते हैं केवल गंगाचार्य और उसकी पुत्र वधु चांदनी। तब गंगाचार्य अपनी पुत्र वधु से कहने लगा कि पुत्री तुम मेरी बहू हो और आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जब ये बात चांदनी ने सुनी तो चांदनी ब्राह्मण संस्कारों में पली हुई एक मछुआरे की लड़की थी। वह कहने लगी कि हे पिताजी, आप जो मुझसे मांगेंगे मैं आपको वह अवश्य दूंगी, आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं मैं आपको वचन देती हूँ। गंगाचार्य ने एक अंगूठी निकाली
और अंगूठी को दिखा करके कहने लगा कि बेटी मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कि तुम इस अंगूठी को ढूंढ करके ना लाओ तो मेरे घर मत आना और तुम्हारे पिता के घर भी तुम्हें नहीं जाना है। जब तक ये अंगूठी तुम नहीं लाओगी तब तक मेरे पुत्र की तुम पत्नी नहीं रहोगी। ये बात जब चांदनी ने सुनी तो चांदनी ने कहा कि हे पिताजी, इसका अर्थ मैं समझी नहीं। गंगाचार्य कहते हैं कि पुत्री, मैंने जो कह दिया वह कह दिया। चांदनी कहती है कि पिताजी, अंगूठी का आप क्या करेंगे? गंगाचार्य कहता है कि मैं इस अंगूठी को समुद्र में फेंक दूंगा। फिर चांदनी को लेकर गंगाचार्य एक समुद्र तट पर पहुंच जाता है और गंगाचार्य चांदनी को वह अंगूठी दिखा करके समुद्र में फेंक देता है। और गंगाचार्य चांदनी से कहता है कि जिस दिन तुम इस अंगूठी को ढूंढ लाओगी उस दिन मेरे घर आ सकती हो। अब चांदनी समुद्र के तट पे अकेली रह जाती है। गंगाचार्य अपने घर को चल देता है और ये सोचता है कि चांदनी को ये अंगूठी कभी नहीं मिलेगी और ये हमारे घर में अब कभी नहीं आएगी। मेरे पुत्र का विवाह मैं किसी और ब्राह्मण की कन्या से करवा दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि मैं भाग्य को कैसे नहीं बदल सकता हूँ। जब मैं भाग्य को देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। ऐसा सोचकर गंगाचार्य अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर चंदन जब अपने पिता से पूछता है कि चांदनी कहाँ है तो गंगाचार्य उसे ये झूठ बोलकर डाल देता है कि चांदनी समुद्र में डूबकर मर गई। चंदन जब ये सुनता है तो वह बड़ा ही दुखी हो जाता है। उधर चांदनी सोचती है कि हे भगवान, अब तो मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ, अब मुझे कोई और रास्ता देखना होगा। मैं तो इस विशाल समुद्र में अंगूठी खोजकर भी नहीं ला सकती हूँ। ये सोचकर चांदनी वहाँ से चल देती है और चलती हुई उज्जैन नामक शहर में आ जाती है। जब चांदनी उज्जैन आई तो वहाँ एक बड़े साहूकार का परिवार रहा करता था। चांदनी ने अपने मन में सोचा कि आज की रात तो मुझे यहाँ निकालनी होगी, कल का कल देखा जाएगा। कहते हैं जब किस्मत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। चांदनी उस साहूकार के घर पहुंच जाती है। वे लोग संतानहीन थे, उनके घर पर कोई भी संतान नहीं थी। चांदनी को देखकर वह साहूकार कहता है कि बेटी तुम कहां से आई हो, तुम कौन हो? चांदनी कहने लगी, मैं आसमान की गिरी हुई हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा सब कुछ समाप्त हो चुका है। चांदनी फिर कहती है, मैं वही रह जाऊंगी जहां मुझे रोटी मिलेगी। साहूकार और साहूकार की पत्नी कहती है कि बेटी तुम यही रहो, हमारी कोई संतान नहीं है। चांदनी अब उस साहूकार के घर रहने लगी। वह साहूकार चांदनी को अपने घर रख लेता है। सौभाग्य की बात तो ये है कि वह साहूकार बहुत धनी था और जब भी वह साहूकार अपना कोई कार्य संपन्न कराता तो वह हवन करवाता या फिर कोई यज्ञ करवाता तो काशी से उसी गंगाचार्य ब्राह्मण को अपने यहाँ बुलाया करता था। इसलिए गंगाचार्य और वह साहूकार आपस में एक अच्छे मित्र थे। ये बात साहूकार को नहीं पता थी कि चांदनी हमारे मित्र गंगाचार्य के पुत्र की पत्नी है, जो कि हमारे यहाँ भोजन बनाती है और इसे हम यहाँ अपनी बेटी के रूप में रखे हैं। धीरे धीरे समय निकला तो उज्जैन से एक ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह के लिए निकला और चलते चलते वह काशी नगरी में पहुँच जाता है और काशी में वह गंगाचार्य के पुत्र के पास पहुँच जाता है, क्योंकि गंगाचार्य का पुत्र बड़ा ही सुंदर था। गंगाचार्य उस ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हम आपका रिश्ता स्वीकार तो कर लेंगे, हमारे पुत्र का विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन पहले हम लड़की देखेंगे। तो वह ब्राह्मण कहता है कि ठीक है, आप लड़की देख सकते हैं। उस ब्राह्मण ने एक समय निर्धारित कर दिया कि आप उस दिन लड़की देखने आ सकते हैं। और गंगाचार्य भी अपने मन में विचार करने लगा और अपने पुत्र से कहने लगा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर दिया है, अब तुम मेरे साथ अपनी पत्नी को देखने के लिए चलना, मैं और तुम देख कर आएंगे कि वह लड़की कैसी है, संस्कारी है कि नहीं है। चंदन मन ही मन दुखी हो जाता है और सोचता है कि मेरी पहली पत्नी तो समुद्र में डूबकर मर गई। फिर चंदन अपने पिताजी से पूछता है कि हे पिताजी, आप दुनिया का भविष्य देखते हैं, इस संसार का भविष्य देखते हैं, तो आपने मेरा भविष्य क्यों नहीं देखा? ये बात जब गंगाचार्य ने सुनी तो अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, अभी वह समय नहीं आया है कि मैं तुम्हारा भाग्य देखूं। गंगाचार्य और उसका पुत्र चंदन दोनों लड़की देखने के लिए उज्जैन के लिए निकल जाते हैं। उधर एक मछुआरा समुद्र में जाल डालता है और जो अंगूठी गंगाचार्य ने समुद्र में फेंक दी थी वह अंगूठी एक मछली निगल गई थी।
और जिस मछली ने अंगूठी को निगला था वह जाल में फंस जाती है, जिसे एक टोकरी में भर करके मछुआरा बेचने चला जाता है और बेचते बेचते उसी साहूकार के घर चला जाता है जहां चंदन की पत्नी चांदनी रहा करती थी। और जब मछलियों को उस साहूकार ने देखा तो उसने सारी मछलियों को खरीद लिया और वह साहूकार चांदनी से कहता है कि हे पुत्री, मैंने ये मछली खरीदी है, क्या तुम इसे बना सकती हो। चांदनी तो ब्राह्मण कुल में पली बड़ी थी, चांदनी उन्हें मना नहीं करना चाहती थी। वह उस साहूकार से कहती है कि मैं बना दूंगी। और जब चांदनी मछली काटने के लिए बैठती है, ये तो भाग्य का खेल था, चांदनी ने जैसे ही मछली को काटा, मछली के पेट से निकलकर अंगूठी नीचे गिर जाती है और चांदनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे ये तो भाई अंगूठी है। उधर दूसरी तरफ गंगाचार्य और उसका पुत्र उस लड़की को देखने के लिए उज्जैन शहर में चले आते हैं। गंगाचार्य अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा मित्र रहता है, कई बार मैं यहाँ उसके पास यज्ञ करने आया हूँ और वह मेरा एक अच्छा मित्र भी है। तो गंगाचार्य कहता है कि मैं उससे मिलकर चलूंगा। तब उसका पुत्र चंदन कहता है कि हे पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। तो गंगाचार्य उसी सेठ साहूकार के घर पहुंच जाता है। जब उस साहूकार ने उस ब्राह्मण को देखा तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह ब्राह्मण बहुत ही विद्वान था, प्रमोद तेजस्वी था। साहूकार ने अपने मित्र ब्राह्मण को बिठाया और बड़ा ही स्वागत किया। फिर उस साहूकार ने सोचा कि मेरे यहाँ जो पुत्री रहती है, क्यों ना उसका भाग्य अपने मित्र ब्राह्मण को दिखा दूं। ये सोचकर वह साहूकार अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, इधर आओ, बहुत दूर से एक ब्राह्मण आए हुए हैं, मैं तुम्हारा भाग्य दिखा देता हूँ। जब साहूकार की बात चांदनी ने सुनी तो निकलकर बाहर आई और बाहर बैठे अपने ससुर और अपने पति को देखकर वह चौंक जाती है। गंगाचार्य और उसके पुत्र चंदन ने जब चांदनी को देखा तो वह भी चांदनी को देखकर चौंक जाता है। गंगाचार्य एकदम से कहता है कि चांदनी, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम अंगूठी लेकर नहीं आती तुम मुझे दिखाई भी मत देना, तुमने अपना वचन तोड़ दिया है। तब चांदनी कहती है कि हे पिताजी, ये लीजिए अंगूठी, क्योंकि चांदनी को अंगूठी तो मिल ही चुकी थी। जब ये बात साहूकार ने सुनी तो साहूकार कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मित्र, आप ये क्या कह रहे हैं। चंदन भी अपने पिता पर क्रोधित हो जाता है और कहने लगा कि पिताजी, आपने तो कहा था कि चांदनी समुद्र में डूबकर मर गई, फिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। आप तो मेरे लिए लड़की देखने जा रहे थे, आप तो मेरा विवाह करने जा रहे थे, जबकि मेरी ये पत्नी अभी जीवित है। अब गंगाचार्य क्या कहता। गंगाचार्य कहता है कि बेटे, यही तो भाग्य का खेल है, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और मैं इसके लिए आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। मैंने भाग्य को बदलना चाहा, मैं ये बहुत बड़ी भूल कर रहा था, ईश्वर के लिखे विधि विधान में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा था। वह साहूकार कहता है कि मित्र, आप ये क्या कह रहे हैं कि ये जो पुत्री है ये तुम्हारे पुत्र की पत्नी है। ब्राह्मण कहता है कि ये वास्तव में एक ब्राह्मण की पुत्री नहीं है, ये एक मछुआरे की बेटी है और इसका विवाह मेरे पुत्र के संग लिखा था और मैंने उसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं उसे मिटा नहीं पाया। ब्राह्मण चांदनी से कहता है, तुम और तुम्हारा पति आराम से रहो, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। ये बात सुनकर चांदनी बहुत खुश हो जाती है और चंदन भी चांदनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। गंगाचार्य साहूकार भी इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि गंगाचार्य मान जाता है, वह हार मान लेता है। गंगाचार्य चंदन और चांदनी वापिस घर चले जाते हैं और आराम से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, आप अपने लिखे भाग्य को बदल नहीं सकते हैं, जो आपके भाग्य में होगा वही आपको मिलेगा। कल की चिंता करके अपने वर्तमान को नष्ट ना करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।